किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, सोयाबीन की फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ रुक गई है किसी भी कारणवश, तो उस ग्रोथ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए उसके लिए हमको कौन सा खाद उर्वरक डालना चाहिए या फिर कोई सा टॉनिक डालना चाहिए, इसके बारे में A to Z जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अभी तक हमारी जो सोयाबीन की फसल है लगभग 30-32 दिन की हो चुकी है और जो फ्लावरिंग स्टेज का जो समय है वो लगभग 40-45 दिन का है और कुछ डिपेंड करता है वेराइटी पे। जैसे कि कुछ वेराइटी में 35 दिन के बाद ही फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ वेराइटी में 40 दिन के बाद फूल आना स्टार्ट होते हैं, कुछ वेराइटी में 45 दिन के बाद फूल आना स्टार्ट होते हैं। अब ग्रोथ का भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है, जैसे कुछ वेराइटी में जैसे जैसे फूल आते जाते हैं वैसे ही ग्रोथ बढ़ती जाती है, लेकिन कुछ वेराइटी का ऐसा उल्टा सिस्टम है, जैसे फूल आना स्टार्ट हुए और उनमें ग्रोथ होना कम हो जाता है। तो यदि आपकी फसल में ग्रोथ रुक गई है या किसी भी कारणवश सोयाबीन की फसल बैठ गई है, या तो हो सकता है आपने खरपतवार नाशक दवाई डाली हो, या फिर दवाई का ज़्यादा डोज दे दिया हो, या फिर कोई गलत दवाई आपने डाल दी, तो अब उसकी रिकवरी हम कैसे करें? इसके लिए हमारे किसान भाई हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, इसके बाद भी सोयाबीन की फसल में रिकवरी नहीं हो पाती, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? देखिए दोस्तों, बहुत सीधा सा फंडा मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल सा फंडा और ज़्यादा कॉस्टली फंडा मैं आपको नहीं बताऊंगा, और इसके 101% आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप समझ लेना, क्योंकि सोयाबीन एक ऐसी फसल है जिसमें जितना खर्च करो उतना कम है, लेकिन आपको स्मार्ट फार्मिंग करना है ये मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। अब ये खाद उर्वरक के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी जो समस्या देखने को मिल रही है सोयाबीन की फसल में, पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैं सोयाबीन का एक पौधा आपको दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ पत्तियाँ पीली आपको दिखाई दे रही होगी जो कि ऊपरी पत्तियाँ हैं। अब ये पीलापन का क्या कारण है? अब कुछ लोग इसको पीला मोज़ेक बोलते हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया इसमें सल्फर की कमी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटास, इन सबके सिम्टम पत्तियों पे ही दिखाई देते हैं, लेकिन सिम्टम कुछ अलग अलग पत्तियों पे दिखाई देते हैं। जैसे ये अभी ऊपरी पत्तियां हो रही है तो इसमें आयरन की कमी है। अब ये आयरन की कमी कैसे दूर करें? इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना, मतलब अगर कोई बोल रहा है कि आयरन के लिए ये डाल दो वो डाल दो, कुछ भी नहीं डालना, ये दोस्तों ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे, मतलब इसमें आपको कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ठीक कैसे होंगी? जैसे जैसे बारिश होती जाएगी और जैसे जैसे इसमें नई पत्ती आती जाएगी, जैसे कि ये पत्ती आपको पीली दिखाई दे रही है, अब इसमें जो नई पत्तियाँ आ रही है तो ये पत्तियाँ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। बस इतना सा फंडा है, आपको इसमें कोई भी खर्च नहीं करना, ये हो गया फंडा आपका क्लियर। देखिए दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, पत्तियों का हरा भरा रहना लास्ट स्टेज तक बहुत ज़रूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप कोई सी भी फसल लगा रहे हो, सोयाबीन से ही मतलब नहीं है, चाहे आप गेहूं लगा रहे हो, धान लगा रहे हो, कोई सी भी फसल लगा रहे हो, पत्तियां यदि हरी भरी है तो आपकी फसल स्वस्थ है, और पत्तियां किसी भी कारणवश डैमेज होती है, या तो हो सकता है कोई कीट काट रहा हो या फिर कोई रोग लगा हो, तो वो पूरा पौधा कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि जो पौधा भोजन बनाने का जो काम करता है वो कहाँ से करता है? पत्तियों से। और वही पत्तियाँ अगर डैमेज हो रही है तो भोजन कम बनेगा, और भोजन कम बनेगा तो पौधा कमज़ोर होगा। तो इन बातों का विशेषकर आपको ध्यान रखना है, और स्पेशली पत्तियों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, इनका हरा भरा रहना हमारी फसल के लिए बहुत ज़रूरी है। और अब बात करते हैं खाद उर्वरक की, यदि हमारी फसल बैठ गई है किसी भी कारणवश, तो देखिए दोस्तों, स्टार्टिंग में हमारे कुछ किसान भाई खाद उर्वरक नहीं दे पाते, जैसे कि नाइट्रोजन का छिड़काव नहीं कर पाते, या बेसल डोज में फास्फोरस नहीं दे पाते, पोटास नहीं दे पाते, सल्फर नहीं दे पाते, ये चार चीज़ें सोयाबीन की फसल में बहुत ज़रूरी है। अब नाइट्रोजन का छिड़काव ये 20-22 दिन के बाद हम करते हैं, जब खरपतवार नाशक दवाई हम डालते हैं उसके तुरंत बाद हम नाइट्रोजन यानी यूरिया का छिड़काव करते हैं। अब यदि स्टार्टिंग में आपने सल्फर नहीं दिया तो आप जब हम पहला छिड़काव यूरिया का कर रहे हैं उसमें आप सल्फर मिक्स करके डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, उसमें सल्फर
और यूरिया दोनों को मिक्स करके आप छिड़काव कर सकते हो। ये होगा पहला फंडा। दूसरा फंडा फास्फोरस। अब फास्फोरस की कमी हम कैसे दूर करें? फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों सोयाबीन की फसल में। अब ये रोल कैसे है, जैसे कि अगर हम फास्फोरस डाल रहे हैं मतलब अपनी फसल में, तो वो पौधा कमज़ोर नहीं होगा। चाहे आपकी फसल कितनी भी संघन हो और कितनी भी हवा चल रही हो, वो पौधा कभी भी आड़ा नहीं गिरेगा यदि फास्फोरस सही मात्रा में उस पौधे को मिला है तो। मतलब फास्फोरस का यही काम है पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना और पौधे को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। देखिए दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फंगीसाइड। अभी दुकानदार लोग क्या है, फंगीसाइड भी डलवा रहे हैं, जैसे टेबुकोनाजोल है और बहुत सारे फंगीसाइड हैं जो डलवा रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यदि आपने बीज उपचार किया है, जैसे इलेक्ट्रॉन या फिर वार्डन, इनसे बीज उपचार किया है, तो उसमें फंगीसाइड भी है और उसमें इंसेक्टिसाइड भी है। तो बीज जनित और मृदा जनित रोग इतनी जल्दी हमारी सोयाबीन की फसल में नहीं लग सकते। फंगीसाइड की कब ज़रूरत पड़ेगी? फ्लावरिंग स्टेज के बाद या फ्लावरिंग स्टेज के पहले। मतलब अभी यदि आपकी फसल 20-22 दिन या 25 दिन की है, तो उसमें आपको फंगीसाइड बिल्कुल भी नहीं डालना है, यदि आपने सही बीज उपचार किया है। अगर बीज उपचार नहीं किया है, तो उसमें आपको फंगीसाइड की हो सकता है ज़रूरत पड़े। अब बात कर लेते हैं पोटास। देखिए दोस्तों, अभी मैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इनकी विस्तृत जानकारी आपको दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको खाद उर्वरक की भी जानकारी दूंगा। पोटास क्या करता है, दाने में चमक बढ़ाने का काम करता है। जो दाने का बोल्ड साइज होता है या दाने में जो चमक होती है, वो बढ़ाने का कौन काम करता है? पोटास। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमको लेना है। देखिए दोस्तों, अभी सिर्फ हम 19-19 का छिड़काव करेंगे। 19-19-19। अब ये 19-19 कौन सा लें? या तो आप सीराम का ले सकते हो या फिर इप्को कंपनी का ले सकते हो। ये दोनों ही कंपनी का आपको 19-19 लेना है। अब 19-19 कितना डालना है? 1 kg 1 एकड़ में। पिछली वाली वीडियो में मैं मात्रा नहीं बता पाया था कि 1 एकड़ में आपको कितना डालना है। 1 kg 1 एकड़ में 19-19 डालना है। इसके साथ आप जिबरेलिक एसिड भी प्लस कर सकते हो यदि ज़्यादा ही आपकी फसल बैठ गई है तो। इसके साथ नाइट्रोजन की मात्रा यदि आपको बढ़ाना है, मतलब ज़्यादा ग्रोथ या आपको चाहिए, तो आप उसमें एक पंप में 200 से 250 ग्राम यूरिया डाल के छिड़काव कर सकते हो। एक पंप का डोज हो गया, मतलब 1 एकड़ में आपको 19-19 एक पैकेट लेना है 1 kg का। और 1 एकड़ की यदि बात की जाए, तो 1 kg यूरिया, 1 kg 19-19, 1 kg यूरिया, ये दोनों का छिड़काव आप करवा दीजिए। केस चाहे आपकी फसल कितनी भी बैठ चुकी हो, उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा और फूल भी अच्छे निकलेंगे। ब्रांचिंग यदि नहीं हो रही हो, तो ब्रांचिंग भी होगी। इन सब का तोड़ है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और सल्फर की मात्रा ज़रूर दे देना। अभी अगर आप नहीं दे पा रहे हो, तो बाद में एक छिड़काव करवा देना, लेकिन सल्फर ज़रूर डाल देना आपकी फसल में। अब सल्फर का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, सल्फर की कमी से सोयाबीन की फसल में फलियाँ गिरना स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमारे काफ़ी किसान भाइयों का समझना रहता है कि वो चूहे काट रहे हैं या फिर कोई कीड़ा काट रहा है। जी नहीं दोस्तों, ये फलियाँ गिरना सल्फर की कमी के कारण होता है, इसलिए सल्फर ज़रूर दे देना। सल्फर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है सोयाबीन की फसल में। दलहन वर्गीय जितनी भी फसलें हैं, उसमें सल्फर यदि आपने नहीं दिया, तो उसका नुकसान आपको भोगना पड़ सकता है। तो इन बातों का विशेषकर ध्यान रखें, और कुछ आपको ज़्यादा खर्च करने की सोयाबीन की फसल में ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा स्टेज के हिसाब से आपको कब क्या देना है, जैसे 0-52-34 आपको कब देना है, 0-0-50 आपको कब देना है, ये बताने के लिए आपका भाई आपके लिए बैठा है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता रहूँगा। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहला काम सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साइड में जो बेल आइकन है वो दबा लें, ताकि सोयाबीन से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे तुरंत मिल सके। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।